हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कुशाल मित्तल फ्रॉम सोल अपडेट्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम कॉस्ट अकाउंट्स सब्जेक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉस्ट शीट समझेंगे, क्योंकि अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता हुआ तो आपको कॉस्ट अकाउंट्स करने का कोई यूज नहीं है। आप उसका कोई भी टॉपिक कितना भी प्रैक्टिस कर लीजिए, आप उसको ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉस्ट अकाउंट्स का, कॉस्ट शीट। तो हम देखते हैं कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कैसा है और इसके क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करने होते हैं। देखिए, कॉस्ट शीट के अंदर सबसे पहले हमें जितनी हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है, जितनी भी हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है, जैसे कि अगर आप लोग ने फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जितनी कॉस्ट आती है वो सारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो जितनी डायरेक्ट कॉस्ट होती है सबसे पहले हमें उन्हें लेना होता है। इसके लिए हमें सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, मतलब कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हुआ है, सबसे पहले हमें ये लेना होता है। और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जो है वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है रॉ मटेरियल का, ओपनिंग स्टॉक होता है जो रॉ मटेरियल का, उसके अंदर परचेजेस ऐड करनी पड़ती हैं। डायरेक्ट खर्चे जितने होते हैं, जैसे कैरिज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, ऐसे ही अगर और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे ऐड हो जाते हैं और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक जो है वो माइनस हो जाता है। क्लोजिंग स्टॉक किसका? रॉ मटेरियल का। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये माइनस हो जाता है, इससे हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मिल जाता है। उसके बाद हमें इसके अंदर हमारी डायरेक्ट वेजेस ऐड करनी होती है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करने होते हैं। जब हम ये सारा जोड़ देते हैं, इसके बाद हमें मिलती है हमारी प्राइम कॉस्ट। सबसे पहले हमें मिलती है प्राइम कॉस्ट। उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमारे जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जितने हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे हमें जोड़ने होते हैं। उसके अंदर हम सबसे पहले वर्क या फैक्ट्री ओवरहेड लेते हैं, वर्क या फैक्ट्री ओवरहेड लेते हैं, जितने हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारे फैक्ट्री के अंदर यूज होते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड कर देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस कर देते हैं। तो इससे हमें मिलता है वर्क कॉस्ट, इससे हमें मिलता है वर्क कॉस्ट। अब इस वर्क कॉस्ट के अंदर हम अपने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जोड़ देते हैं, जितने भी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिस सैलरीज या ऑफिस से कोई भी रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, प्रोग्रेस माइनस कर देते हैं। तो इससे हमें मिलता है वर्क कॉस्ट, इससे हमें मिलता है वर्क कॉस्ट। अब इस वर्क कॉस्ट के अंदर हम अपने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जोड़ देते हैं, जितने भी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिस सैलरीज या ऑफिस से कोई भी रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे हम यहाँ पे जोड़ते हैं। फैक्ट्री से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस हम यहाँ जोड़ते हैं, ऑफिस से रिलेटेड जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो हम यहाँ जोड़ते हैं। अब हमने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जोड़ लिए तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगी। क्या मिलेगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगी। अब इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलने के बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस करने पड़ते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करने पड़ते हैं। अब ये जो हमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकालने हैं, इसके लिए जो पर यूनिट की वैल्यू होगी वो यूनिट की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी इसको हमें नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इससे हमें नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस मिल जाएगी। उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से उसको डिवाइड कर देंगे और हमें पर यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी, कितने की हमारा कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स की पर यूनिट की वैल्यू है। उस पर यूनिट की वैल्यू को हम अपने क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मिल जाएगा। तो जब हम ये माइनस करेंगे उसके बाद हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलने के बाद हमारे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है जिसको हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोलते हैं। जितने भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होंगे, मतलब जितने भी बेचने में खर्चा आएगा वो सारा हम जोड़ देंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाएगी, और कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर हम प्रॉफिट जोड़ देंगे तो हमें सेल मिल जाएगी। वो हमें क्वेश्चन में बताता है कि हमें 10% प्रॉफिट ऑन सेल चाहिए या ऑन कॉस्ट चाहिए। अगर वो ऑन सेल बोलता है तो हमारा उल्टा क्वेश्चन होता है कि हम अपोजिट करते हैं। अगर मान लीजिए बोलते हैं कि हमें प्रॉफिट ऑन सेल 10% चाहिए,
तो हमारे पास सेल तो है नहीं, हम सेल को एक्स मान लेंगे, हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल जितनी दे रखी है उतनी लेंगे, प्लस 10% ऑफ किसका, सेल का। तो हम ऐसे करके जो है अपनी प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं और सेल कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर वो बोलते हैं कि प्रॉफिट ऑन सेल है, अगर कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर प्रॉफिट है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल का जैसे 10% प्रॉफिट बोला तो उसका 10% कैलकुलेट कर दो, हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये हमारी कॉस्ट शीट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते रहेंगे।